ललित कला अकादमी द्वारा आयोजित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कला मेले में विश्व भर के कलाकारों ने शिरकत की। इस मेले में देश भर से आए कलाकारों ने अपनी कलाकृतियों का प्रदर्शन किया। कला की दुनिया का कैनवास जितना विस्तृत है, कलाकार उतना ही आभारग्रस्त जीवन जीने को मजबूर। वजह है बाजार में कला के कतरदानों की कमी और पेंटिंग्स को बनाने में लगने वाले सामान के दामों का आसमान छूना। इसके बाद भी कुछ कलाकार ऐसे भी हैं जो दिक्कतों से जूझते हुए शिखर पर अपने नाम का परचम लहराते हैं। पवन वर्मा शाहीन है और मैं 34 साल से दिल्ली में ही रह रहा हूँ। इसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि 2013 तक मैंने काफ़ी पेंटिंगें बना ली थी, और क्योंकि मैं राइटर हूँ और सोचता भी हूँ, तो मैंने सोचा कि ज़िंदगी जा रही है तो कुछ ऐसी ही चीज़ बनाई जाए जो कि यादगार हो, बाजार से हटकर बनाई जाए। सोचा कि कौन सा कॉन्सेप्ट लिया जाए, क्या विषय चुना जाए। इस विषय पर मेरी बहुत ज़्यादा स्टडी थी, ताजमहल पर 20 साल की स्टडी थी ताजमहल की ड्राइंग पर। मैंने सोचा ये सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है, सबसे टफ ड्राइंग है, इसे ही लिया जाए। को बनाने में 14 महीने लगे। मार्च 2013 में ये कैनवस लगाया गया और अगस्त 2014 में ये कंप्लीट हुआ। तो खासियत ये है कि ताजमहल का कोई भी फोटोग्राफ करेक्ट नहीं होता, लेकिन मैंने प्रयास किया है कि इसकी ड्राइंग पूरी तरह से करेक्ट हो, और अपनी तरफ से रिपेयर की है, पूरी टोपाज की आकृति इसको देने की कोशिश की है। और इसमें सबसे खास बात यह है, मैं चाहता था इस पेंटिंग में जो इसके ताज के गेट पर कुरान शरीफ की आयत लिखी है वो लिखी जाए, और उसे लिखने के लिए ही इसका आकार इतना बड़ा हुआ। और बाद में पता लगा कि ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी पेंटिंग हो गई ऑयल में, फाइन वर्क में ताजमहल पर। पवन जी ने अरबी को समझने के लिए अपने एक दोस्त की मदद ली ताकि जे जबर की कोई गलती न हो जाए। अभावों से जूझते हुए भी इन्होंने हिम्मत की रुचि को रोकने नहीं दी। नतीजा आज विश्व भर के कलाकारों के सामने है। इनकी ताजमहल की पेंटिंग की कीमत कई करोड़ों में आंकी गई है। पवन जी उन कलाकारों के लिए एक प्रेरणा है जो हताश होकर या तो काम करना छोड़ देते हैं या फिर अवसाद यानी डिप्रेशन को गले लगा लेते हैं। तो हर लिपि एक चित्र होती है, हर लिपि एक चित्र होता है तब वो लिपि होती है। तो मेरे लिए कोई भी लिपि हो, अरबी हो, कोई सी भी हो, वो एक चित्र है। मैं चित्रकार की भाषा में उसको किया है मैंने उसे, और मेरे मित्र हैं कमाल भाई, उन्होंने इसमें मेरी हेल्प की कि इसमें कोई गलती तो नहीं है। जितने भी आर्टिस्ट यहाँ आए हैं उन सब ने पेंटिंग की सराहना की है, और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये पेंटिंग नहीं है, ये ताज बाई कलर है। ये समझ लीजिए कि जब बाज़ार से हटकर मैंने ये काम शुरू किया तो मुझे बाज़ार ने भुला दिया, और ये इतना हैवी सब्जेक्ट है, इतना हैवी है, लोग जानते हैं इसकी ड्राइंग कितनी टफ है। बना बना के मिटा, बन बन के मिटा, मिट मिट के बना। अगर मान लो इसकी आयत जो लिखी गई है उसमें ही 3 महीने लग गए, तो डिप्रेशन इतना आता था, कई बार मन करता था अधूरा छोड़ दूँ, फिर साहस आता था कि नहीं, मिसेज कहती थी नहीं इसे पूरा तो करो, पूरा तो करो। ये 15x12 फिट के कमरे में बैठ कर बनाई गई पेंटिंग है जहाँ मेरा 2 साल का बच्चा खेलता था, लेकिन एक जुनून था कि कुछ करके दिखाना है, कुछ करके दिखाना है, और इसके बाद मैं तब तक काम नहीं करूँगा जब तक कि इसको सम्मान ना मिल जाए। और ये केवल चित्रकला नहीं है, इसमें इंजीनियरिंग है, इसमें संगीत है, इसमें गणित है, इसमें विज्ञान है। मेरी कलाकारी की संतुष्टि इसने कर दी है। अब देखना ये है कि भारतीय कलाकारों की इस क्षमता को उचित सम्मान मिलता है कि नहीं मिलता है।